हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। इफ यू हैव नॉट वॉच द रिमेनिंग टू पार्ट देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ पैडी एंड राइस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका साइंटिफिक नेम। राइस का साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा। फैमिली है पोइसी, इसको ग्रामीनी फैमिली में भी बोलते हैं और पोइसी बोलते हैं। और इसका ओरिजिन हुआ है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा या फिर इंडो म्यांमार भी बोल सकते हैं। कहीं आपको इंडो म्यांमार दिखता है तो वो भी सही है। इसके पास का क्रोमोसोम नंबर है 24। इसके क्रोमोसोम नंबर से हमें याद रखना है 24 से कि इसकी टोटल स्पीशीज भी 24 हैं। जो ओराइजा जीनस होता है उसकी टोटल 24 स्पीशीज़ होती हैं, और टोटल 24 स्पीशीज़ में से सिर्फ दो ही स्पीशीज़ हैं जो कल्टीवेट करते हैं, वो हैं ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लैबरेमा। ओराइजा सटाइवा को एशियन राइस भी बोलते हैं, और जो ओराइजा ग्लैबरेमा है वो बेसिकली ग्रो होता है अफ्रीका कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में। इसके बाद देखते हैं जो राइस है वो 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है कंज्यूम करती है, लेकिन जो 90% जो राइस प्रोड्यूस और कंज्यूम करा जाता है वो सिर्फ एशिया में ही करा जाता है। इसके बाद इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू देखें तो उसमें 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 2 to 2.5% फैट बहुत कम होता है, और प्रोटीन भी इसमें ठीक ठाक होता है 6 to 7%। राइस के प्रोटीन की खास बात है कि इसके प्रोटीन को ओराइजन बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि इसके प्रोटीन को ओराइजन बोलते हैं। इसके बाद इसमें जो हलिंग परसेंटेज होता है वो होता है 66%, दैट इज़ 2/3 ऑफ पैडी। राइस एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, C3 प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट जनरली राइस एक खरीफ सीजन क्रॉप है, जितने भी खरीफ सीजन के क्रॉप्स होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट्स में आते हैं। C3 प्लांट है का मतलब होता है कि राइस जो होता है उसका फोटो रिस्पायरेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी है वो कम होती है, और वाटर यूज एफिशिएंसी भी बहुत कम होती है। तो ये होते हैं C3 प्लांट्स। उसके बाद राइस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्वार्फनेस। तो राइस में जो ड्वार्फनेस आती है वो आती है ड्वार्फिंग जीन से, दैट इज़ DG वोजिन। राइस में ड्वार्फनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर राइस ड्वार्फ नहीं होगा, टॉल होगा, तो क्या होगा, बहुत तेज़ स्पीड से अगर विंड आएगी तो उसकी वजह से राइस में लॉजिंग प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी लॉस हो सकती है। इसलिए ड्वार्फिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ राइस। हार्वेस्टिंग इंडेक्स की बात करें तो राइस का हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है 40%। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक ईल्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल ईल्ड। अब राइस के केस में हमारी जो इकोनॉमिक ईल्ड होती है वो क्या होती है, ग्रेन्स, और बायोलॉजिकल ईल्ड यानी टोटल जो हमको मिलता है दैट इज़ ग्रेन प्लस स्ट्रॉ। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं राइस की बायोलॉजिकल ईल्ड जो होती है वो 40% आती है। राइस की प्रोसेसिंग करने के बाद हमें इसमें बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है राइस ब्रान, जिससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें 18 to 20% ऑयल निकल कर आता है, और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए हम इसको कुकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है ओराइजा सटाइवा का क्लासिफिकेशन। ओराइजा सटाइवा की 3 वेराइटल टाइप्स होते हैं। पहला है इंडिका राइस, दूसरा है जापानिका राइस, तीसरा है जवानिका राइस। पहले डिस्कस करते हैं इंडिका राइस। इंडिका राइस नाम से क्लियर है कि इंडिया में ग्रो होता है, और ये बेसिकली ट्रॉपिकल कंडीशंस में ग्रो होता है। और ये इसका फीचर अगर बात करें तो ये बेसिकली एक लेट मैच्योरिंग होता है, और इसमें ऑन्स जो होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं और स्टैम बहुत इसका लंबा होता है। और जो जापानिका राइस है ग्रो मेनली इन जापान एंड मेनली ग्रो एज अ टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्रॉप। और इसकी खास बात यह है कि अर्ली मैच्योरिंग है। इंडिया वाला जो था वो लेट मैच्योरिंग था, लेकिन जापान वाले जो अर्ली मैच्योरिंग है, और उसका स्टैम बहुत ज़्यादा छोटा होता है और उनके ग्रेन्स भी बहुत ज़्यादा छोटे और बोल्ड होते हैं। और जो जवानिका राइस है वो इंडोनेशिया में ग्रो होता है, ये बेसिकली वाइल्ड फॉर्म है राइस की। इसके बाद बात करते हैं एरिया प्रोडक्शन की। तो राइस का अगर एरिया वाइज बात करें, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एरिया है इंडिया का। इंडिया फर्स्ट है, सेकंड चाइना है, लेकिन प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट है और प्रोडक्टिविटी में USA फर्स्ट है। लेकिन अगर इंडियन कंडीशन में बात करें तो इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया होता है, वो है वेस्ट बंगाल। प्रोडक्शन में भी वेस्ट बंगाल हाइस्ट है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है राइस की सबसे ज़्यादा हाइस्ट है पंजाब में। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ राइस की। इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी। इंडिया वर्ल्ड की जो सबसे पहली ड्वार्फ वेराइटी थी वो थी TN1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डेवलप्ड हुई थी इन द ईयर 1964 to 65, और ये डेवलप्ड हुई थी ताइवान में।
TN1 को हम टाइचिंग नेटिव बोलते हैं, TN स्टैंड फॉर टाइचिंग नेटिव। इनके पेरेंट्स कौन हैं? इसके पेरेंट्स हैं डीजी वोजिन क्रॉस विद साई यूंग चंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड की फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी है। इसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड की फर्स्ट हाई ईल्डिंग ड्वार्फ वैरायटी। पहले हम देखा वर्ल्ड की फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी, अब हम देख रहे हैं ड्वार्फ के संग संग ईल्ड भी हाई होनी चाहिए, यानी हाई ईल्डिंग ड्वार्फ वैरायटी, वो है IR8। इसको मिरेकुलराइज भी बोला जाता है और ये डेवलप हुई थी इन द ईयर 1966 बाय हेनरी एम बेचल। और ये डेवलप हुई थी IRRI, दैट इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के द्वारा। IR8 जो है, जिसको मिरेकल राइस बोलते हैं, इसके पेरेंट्स हैं डीजी वोजिन क्रॉस विद पीटा। पीटा इंडोनेशिया की वैरायटी है। अब नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन हाई ईल्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी। अगर इंडिया की बात तो इंडिया में है जया। जया को मिरेकल राइस इन इंडिया बोलते हैं। IR8 को मिरेकल राइस बोलते हैं और जया को मिरेकल राइस इन इंडिया बोलते हैं, क्योंकि इंडिया की वैरायटी है, डेवलप करी है डॉक्टर शास्त्री ने इन द ईयर 1968। जया के पेरेंट्स कौन कौन से हैं? इसके पेरेंट्स में है TN1 क्रॉस विद T141। इसके अलावा म्यूटेंट वैरायटीज में दो वैरायटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जगन्नाथ एंड सतारी। फर्स्ट हाइब्रिड बासमती वैरायटी जो है वर्ल्ड में, वो है PRH10। हाइब्रिड वैरायटीज है। उसके बाद इंडिया की पहली हाइब्रिड वैरायटीज में है CORH1, जिसको अब MGR1 बोलते हैं। वराइटीज फॉर डायरेक्ट सीडिंग। डायरेक्ट सीडिंग के लिए जो वराइटीज़ हैं वो है बाला, कावरी, पूसा 221। और IRI की जो वराइटीज़ हैं दिल्ली से जो रिलीज़ हुई है वो है नॉरिन 8, पूसा 221, बासमती 370, पंकज IR20। इसके बाद है पूसा बासमती 1, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट हाई ईल्डिंग वराइटी है, जो कि IRI दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा दिल्ली से रिलीज हुई है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजी। राइस की मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं उसकी इन्फ्लोरेसेंस। राइस की इन्फ्लोरेसेंस को पैनिकल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट्स होते हैं जो पैनिकल फॉर्म करते हैं। अब इसकी इन्फ्लोरेसेंस में लैमा पेलिया होता है जो उसकी पूरी ओवरी इन सबको कवर करता है। जो लैमा होता है वो एक्सटर्नल कवरिंग होती है और पेलिया जो होता है वो इंटरनल कवर होता है। और लैमा और पेलिया दोनों को मिला के हम बोलते हैं हल। इसके बाद इसके जो फ्रूट्स होते हैं उनको कैरियोप्सिस बोलते हैं बोटानिकली। कैरियोप्सिस का मतलब होता है जो ड्राई सीड्स होते हैं, जैसे राइस, व्हीट, इन सब के सीड्स ड्राई होते हैं, इनको दैट इज़ वाई दे आर नोन एज कैरियोप्सिस। उसके बाद के जो स्टैम होता है राइस का, स्टैम को कलम बोलते हैं। इसमें लीव शीट प्रेजेंट होती है जो एकदम स्टैम से एकदम जुड़ी हुई होती है लीव शीट। उसके बाद जो लीव्स होती है वो लीव ब्लेड कहलाती है। इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, इसी से अटैच होता है नीचे लीव शीट के बेस पर अटैच होता है लिग्यूल, और जो लीव का लीव शीट और लीव ब्लेड है उनके बीच में प्रेजेंट होता है ऑरिकल। इसके बाद बात करते हैं टेस्ट वेट की। राइस का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 25 ग्राम। जो टेस्ट वेट होता है वो होता है कि एक्चुअली राइस जो होता है बहुत ही स्मॉल सीड क्रॉप है, बहुत छोटे इसके सीड्स होते हैं, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं 1000 सीड्स का वेट लेते हैं। तो जब हम 1000 सीड्स का वेट लेते हैं उसके बाद जो उसका वेट आता है दैट इज़ नोन एज टेस्ट वेट। और दूसरा होता है सीड इंडेक्स, वो हम दूसरे सीड्स में लेते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है। बोल्ड सीडेड क्रॉप्स जो होते हैं उनमें लेते हैं सीड इंडेक्स, लेकिन यहाँ पे राइस की बात हो रही थी, यहाँ पे हम लेंगे टेस्ट वेट जो कि छोटे सीड्स का लिए जाते हैं 1000 सीड्स का। इसके बाद बात करते हैं राइस को कैसा क्लाइमेट चाहिए। तो राइस जनरली हॉट ह्यूमिड एरिया का क्रॉप है, इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। ये C3 प्लांट है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं C3 प्लांट है। और टेम्परेचर की बात करें तो उसका जो मैक्सिमम ऑप्टिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है वो हमें याद करना होगा। इसके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 36 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्टिमम जो होता है एवरेज टेम्परेचर वो होता है 30 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और मिनिमम टेम्परेचर 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 36 होगा तब भी राइस का कल्टीवेशन हो सकता है, और मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा तब भी राइस का कल्टीवेशन पॉसिबल है। अगर 12 डिग्री से कम टेम्परेचर होगा या 36 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो राइस का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता। सॉइल की बात करें तो राइस जनरली क्ले और क्ले लोमी सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है। इसके अलावा एसिडिक सॉइल्स जिनका pH 4 to 6 होता है वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट सूटेबल होती हैं राइस के कल्टीवेशन के लिए।
नेक्स्ट है सीजन, तो राइस बेसिकली खरीफ सीजन का क्रॉप है। इसके अलावा सीजन के हिसाब से तीन तरह के डिफरेंट राइस की वैरायटी राइस जो है वो कैटेगराइज कर रहे हैं हमने। फर्स्ट इज ऑस राइस, अमन राइस एंड बोरो राइस। पहले डिस्कस करते हैं ऑस राइस के बारे में, जिसको हम ऑटम राइस भी बोलते हैं। ये बेसिकली इसकी जो सोइंग टाइम होता है वो मई जून होता है, यानी मानसून के टाइम पे इसकी सोइंग होती है और इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है अगस्त सितंबर, यानी ऑटम के टाइम पे इसकी हार्वेस्टिंग होती है। अगस्त सितंबर को जनरली हम ऑटम सीजन बोलते हैं, इसलिए ऑस राइस को हम ऑटम राइस भी बोलते हैं। और ये जनरली किन एरियाज में ग्रो होता है, ये जनरली ग्रो होता है वेस्ट बंगाल और बिहार में। इसके बाद अमन राइस को हम खरीफ राइस बोलते हैं, क्योंकि इसकी सोइंग जो होती है जून जुलाई में होती है, खरीफ सीजन में इसकी सोइंग होती है और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, जब ये जून जुलाई में सोइंग होती है तो उसकी विंटर में हार्वेस्टिंग हो जाती है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो राइस ग्रो होता है वो यही होता है, अमन राइस ही ग्रो करते हैं। अबाउट 84% जो एरिया होता है उसमें अमन राइस का ही कल्टिवेशन करते हैं। लास्ट है बोरो राइस, इसको स्प्रिंग राइस ही बोलते हैं। इसकी जो सोइंग होती है वो विंटर्स में नवंबर दिसंबर के टाइम इसकी सोइंग होती है और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो मार्च अप्रैल के टाइम होती है, और मार्च अप्रैल को हम जनरली स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, इसलिए बोरो राइस को स्प्रिंग राइस बोला जाता है, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग स्प्रिंग में होती है। इसके बाद इसका जो सीड रेट है, डिफरेंट तरीके से अगर हम राइस को ग्रो करेंगे तो डिफरेंट सीड रेट होते हैं इसके। लाइक ब्रॉडकास्टिंग अगर हम करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, जनरली हम सीड्स को हाथ में लेके फील्ड में रैंडमली स्प्रेड कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। और इसका सीड रेट होता है 100 kg पर हेक्टेयर, बहुत ज़्यादा हाई सीड रेट होता है ब्रॉडकास्टिंग के। लेकिन अगर हम ड्रिलिंग मेथड से लगा रहे हैं, ड्रिलिंग मेथड में क्या होता है, सिंपली एक मशीन होती है, ड्रिलिंग मशीन, उसके पीछे सीड्स को हम रख देते हैं और जैसे जैसे हम उसको ड्रिल मशीन को चलाते हैं सीड्स वहाँ पे गिरते रहते हैं। इसमें सीड रेट थोड़ा कम होता है, 60 to 80 kg पर हेक्टेयर। अगर हम हाइब्रिड यूज़ कर रहे हैं, हाइब्रिड वराइटीज़, तो उसका सीड रेट और कम हो जाता है, 15 to 20 kg पर हेक्टेयर। और जो डेपोक मेथड होते हैं, डेपोक मेथड में हम क्या करते हैं, पहले नर्सरी लगाते हैं, तो इसलिए उस टाइम पे इसका सीड रेट जो होता है वो होता है 1.5 to 3 kg पर स्क्वायर मीटर। डेपोक मेथड में इतना होता है सीड रेट। और जो SRI मेथड होता है, SRI का मतलब होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसमें जो सीड रेट होता है वो होता है 5 to 6 kg पर हेक्टेयर, बहुत कम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिंग की। स्पेसिंग में हम बात करते हैं रो टू रो और प्लांट टू प्लांट। सपोज ये फील्ड होता है तो उसमें ये एक प्लांट से एक रो की दूसरी रो तक का जो डिफरेंस होता है, दैट डिस्टेंस होता है, दैट इज़ रो टू रो डिस्टेंस, और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस यहाँ पे हम मेज़र करते हैं, तो उसके हिसाब से हम क्रॉप की स्पेसिंग को डिसाइड करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग में जो स्पेसिंग होती है वो होती है 20 by 10 cm, और हाइब्रिड वराइटीज़ की होती है 20 into 15 cm, और जो SRI मेथड होता है उसमें होती है 25 into 25 cm। नेक्स्ट इज लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल वीड्स, रिसाइकल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड सुटेबल सीड बेड। लैंड प्रिपरेशन हम इन चीज़ों के लिए करते हैं ताकि वीड कम हो जाए, सॉइल में न्यूट्रिएंट सप्लाई अच्छी रहे और एक प्रॉपर सीड बेड प्रिपेयर भी हो जाए। इसलिए हम करते हैं सबसे पहले पडलिंग, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स बाय मैकेनिकल फोर्स इन सॉइल विद एक्सेसिव मॉइस्चर और फील्ड स्टैंडिंग विद वाटर। जनरली इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो पडलिंग होती है उस टाइम पे जो फील्ड है वो पूरा वाटर से वाटर से फिल रहना चाहिए, और ज़रा हम उसकी पडलिंग करते हैं। पडलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पडलिंग से जो परकुलेशन लॉसेज होते हैं वो कम हो जाते हैं। होता है क्या है, जो वाटर होता है उसका परकुलेशन होता है। परकुलेशन का मतलब होता है डाउनवर्ड एज वेल एज वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो मिट्टी के अंदर जैसे ही पानी जाता है तो वो डाउनवर्ड भी मूव करता है, वर्टिकल भी मूव करता है, तो उससे साथ बहुत ज़्यादा वाटर जो है लॉस हो जाता है, तो इसलिए उसको कम करने के लिए हम पडलिंग करते हैं। साथ में वीड्स भी कम हो जाते हैं और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी सॉइल में बनी रहती है। फील्ड इज प्लो वंस और ट्वाइस टू ऑब्टेन गुड टिल्थ। अच्छे से हम पडलिंग करने के बाद हमें क्या ऑब्टेन होगा, गुड टिल्थ, और टिल्थ अच्छा होगा तभी क्रॉप का जर्मिनेशन और ग्रोथ अच्छी होती है। की वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 2.5 cm एट द टाइम ऑफ पडलिंग। जी हाँ, पडलिंग के टाइम पे हमने बात करी, जैसे फिगर में आप देख रहे हैं कि वाटर से भरा होता है तो 2.5 cm डेप्थ ऑफ वाटर जो होता है वो रहना चाहिए फील्ड में पडलिंग के टाइम पे।
सोइंग मेथड्स की बात करें तो राइस को जनरली हम डायरेक्ट सीडेड और ट्रांसप्लांट करके उसकी सोइंग करते हैं। डायरेक्ट सीडेड में हम सीड्स को डायरेक्टली फील्ड में सो कर देते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांटिंग में हम सबसे पहले नर्सरी ग्रो करते हैं, एक अलग एरिया सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे नर्सरी को ग्रो करेंगे। उसके बाद जब वहाँ पे क्रॉप ग्रो करेगा, टू फोर लीव स्टेज में जब क्रॉप आ जाएगा, उसके बाद हम वहाँ से अपरूट करके उसको दूसरे फील्ड में, मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्रांसप्लांटिंग। इसके बाद जब भी हम राइस को कल्टिवेट करते हैं तो हमें नर्सरी स्टैब्लिश करनी होती है, उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सरी के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। पहला है ड्राई बेड मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी। इसमें क्या होता है कि जो अलॉट 1/10 ऑफ द फील्ड फॉर सीड बेड एरिया एंड 60 to 80 kg सीड्स टू ट्रांसप्लांट 1 hectare ऑफ लैंड। और इसमें क्या होता है कि हम इतना एरिया अलॉट कर देते हैं और इतना 60 to 80 kg पर हेक्टेयर हम इसमें सीड्स को यूज़ करते हैं सीड रेट। और उसके बाद जब 15 to 21 डेज हो जाते हैं उसके बाद हम उसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं, ये होता है ड्राई मेथड। और वेट बेड मेथड में क्या होता है कि जो फील्ड होता है वो इरिगेटेड होता है प्रॉपरली, और उसमें भी सेम एरिया हम नर्सरी के लिए बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे सीड रेट कम होता है। यहाँ पे 40 kg सीड्स का यूज़ होता है 1 hectare के लिए, और उसको भी हम सेम टाइम पे ट्रांसप्लांट करते हैं 15 to 21 डेज के बाद। इसके बाद नेक्स्ट है डेपोग मेथड। डेपोग मेथड बहुत ही फेमस मेथड है राइस की नर्सरी लगाने का। ये मेथड बेसिकली डेवलप करा है आई आर आर आई फिलीपींस के द्वारा। ये मेथड इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करा जा रहा है आंध्र प्रदेश में। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 25 to 30 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ नर्सरी फॉर 1 hectare लैंड, इतना एरिया इसमें नर्सरी का हम लेते हैं। उसके बाद सीडलिंग्स रेडी टू ट्रांसप्लांट ऑन 12th डे आफ्टर सोइंग। इसमें जो सीडलिंग्स है उसको हम जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो 12th डे पे करते हैं। तो इस मेथड में जो सीडलिंग्स होती हैं वो बहुत जल्दी रेडी हो जाती हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए। नेक्स्ट है SRI मेथड, दैट इज़ नोन एज सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये मेथड डिस्कवर्ड करता हेनरी डी लॉली ने इन द ईयर 1980, और ये इसको इंट्रोड्यूस करता मेडागास्कर सिटी में, यह जो कि अफ्रीका में एक सिटी है। इसमें भी सेम क्या होता है, नर्सरी बनानी होती है, पहले 100 square meter पर हेक्टेयर एरिया में नर्सरी इस्टेब्लिश करते हैं, और उसका जो सीड रेट SRI मेथड का सीड रेट हमने डिस्कस करता है पहले 5 to 6 kg पर हेक्टेयर होता है, उसके हिसाब से हम इसमें सीड रेट फिक्स करते हैं। उसके बाद जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में तो उसकी जो स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25 by 25 सेंटीमीटर मेंटेन करते हैं, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट। और उसके बाद उसमें 7 to 10 डेज बाद हम उसमें गैप फिलिंग करते हैं। गैप फिलिंग में क्या होता है कि सपोज़ हमने क्रॉप को मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया, फिर उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है कि कुछ क्रॉप्स तो होते हैं वो फेल हो जाते हैं ग्रो करने में, तो उस जगह पे स्पेस बन जाता है, खाली स्पेस। तो उस गैप को फिल करने के लिए हमें फिर से अगेन वहाँ पे सोइंग करनी होती है। तो वो जो हम करते हैं गैप फिलिंग, ये 7 to 10 डेज बाद करते हैं। और जो एवरेज ईल्ड हमें ऑप्टेन होती है वो होती है 6 to 7 टर्न्स पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है एरोबिक राइस। एरोबिक राइस में क्या होता है कि जनरली हम एरोबिक राइस में हम ऐसी कंडीशंस में राइस को ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉइल जो होती है वो वेल ड्रेन्ड होती है, यानी पानी से अच्छे से वो ड्रेन्ड हुई होती है, लेकिन वहाँ पे पडलिंग जो होती है वो नहीं होती, नॉन पडल्ड एंड नॉन सैचुरेटेड सॉइल, मतलब वहाँ पे पडलिंग भी नहीं हुई होती है और वो सॉइल जो होती है पूरी तरह पानी से भरी नहीं है, बट वहाँ पे ड्रेन्ड है, सॉइल मॉइस्चर है। ऐसी कंडीशन में जब हम राइस को ग्रो करते हैं दैट इज़ नोन एज एरोबिक राइस। और इसमें जो एवरेज ईल्ड मिलती है वो मिलती है 4 to 6 टर्न्स पर हेक्टेयर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पैरा यूटेरा क्रॉपिंग। बेसिकली ये एक तरह की रिले क्रॉपिंग होती है। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है कि जो हमने क्रॉप फील्ड में लगा रखी है और उसका जब हार्वेस्टिंग टाइम आने वाला होता है तो हम उसी टाइम पे उसके हार्वेस्टिंग से पहले ही उसमें नेक्स्ट जो दूसरी क्रॉप है उसकी सोइंग कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज रिले क्रॉपिंग। तो पैरा यूटेरा क्रॉपिंग सेम है, बस ये नाम जो है डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट लोकेशंस में अलग अलग यूज़ करे जाते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ लैंटिल मूंग ग्राम, बेसिकली जो इन यही क्रॉप होती हैं पल्स क्रॉप, इनकी हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। कब करते हैं, बिफोर 10 to 12 डेज ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ राइस, यानी राइस के हार्वेस्टिंग से 10 to 12 डेज पहले ही हम इसमें इन सीड्स की ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं। अब ये पैरा यूटेरा क्या होता है, पैरा वर्ड जनरली यूज़ होता है वेस्ट बंगाल और बिहार में, और यूटेरा वर्ड जनरली यूज़ होता है छत्तीसगढ़ और MP में, बाकी इनका मीनिंग जो है वो सेम है।
इसके बाद राइस का जर्मिनेशन कैसा होता है, वो होता है हाइपोजियल। हाइपोजियल में क्या होता है कि जो कॉटिलेडन्स होता है वो सॉइल के अंदर रहता है, वो बाहर नहीं आता। इसके अलावा दूसरा जर्मिनेशन होता है एपिजियल जर्मिनेशन, जिसमें कॉटिलेडन्स बाहर आ जाता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं राइस की, तो राइस में हाइपोजियल होता है यानी कॉटिलेडन बाहर नहीं आता। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो राइस इज टिपिकली ग्रोन इन बंडेड फील्ड्स दैट आर कंटिन्यूसली फ्लडेड अप टू 7 to 10 डेज बिफोर हार्वेस्ट। मतलब राइस में क्या होता है कि जनरली वाटर जो होता है, वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है 900 to 2500 mm। और जनरली राइस में वाटर अप्लाई करने की कुछ क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं वाटर के लिए। तो उन स्टेज में अगर हमने इरिगेशन अप्लाई कर दिया, दैट इज़ कि हमने अपने क्रॉप को फेल होने से बचा लिया। और वो कौन सी क्रिटिकल स्टेजेस हैं, वो है टिलरिंग, बूटिंग एंड फ्लावरिंग। टिलरिंग जो होती है वो 2 to 20 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के आती है, मतलब ट्रांसप्लांटिंग इतने दिन बाद टिलरिंग स्टेज आती है तो हमें इरिगेशन अप्लाई करना होता है। बूटिंग में क्या होता है कि इट इज़ नोन एज लेट पैनिकल इनिशिएशन स्टेज। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ फ्लैग लीव शीट, जो फ्लैग लीव शीट है वो उसकी ग्रोथ होती है, वो स्वेल होने लगती है, तो उसको बोलते हैं बूटिंग स्टेज। इसके बाद फ्लावरिंग स्टेज भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इरिगेशन के लिए। तो इन तीन स्टेज में अगर इरिगेशन अप्लाई हो जाता है तो हमारी ईल्ड वो जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट। फर्टिलाइज़र में हम देखते हैं एनपीके का डोज। एनपीके को जो अप्लाई करते हैं वो उसका जो रेशियो है वो है 100:60:60। और जिंक भी हम अप्लाई करते हैं एट लास्ट पर्डलिंग। जब हम लास्ट पर्डलिंग करते हैं तो हम जिंक अप्लाई करते हैं 25 kg पर हेक्टेयर। अब जब वाटर लॉक कंडीशन में हम राइस को ग्रो करते हैं इन पडल सॉइल, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब हम वाटर सॉइल में अप्लाई करते हैं तो सॉइल में दो जोन्स बन जाते हैं, दो लेयर क्रिएट होती हैं, ऑक्सीडाइज जोन और रिड्यूस जोन। ऑक्सीडाइज जोन वो होता है जो ऊपर वाली लेयर होती है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और रिड्यूस जोन जो होता है जस्ट उसके नीचे जहाँ पूरा वाटर होता है जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। ऐसे केस में क्या होता है कि जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अप्लाई करने से क्या होता है कि नाइट्रोजन में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, लाइक डीनाइट्रिफिकेशन, लीचिंग, वॉल्टराइजेशन, ये सारे नाइट्रोजन के लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो लो लैंड राइस होता है उसमें हम अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनको एकदम रिड्यूस जोन में डी प्लेसमेंट करते हैं उनका। और इससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी होती है तो 30-40% तक रहती है, यानी क्रॉप्स जो हैं राइस जो होते हैं वो अच्छे से नाइट्रोजन को यूज़ भी कर पाता है। इसके अलावा अगर हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी देखते हैं मेथड, तो उसके लिए हम BGA, दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गे, एजोला, इन सबको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसके अलावा जो एजोटोबैक्टर होता है ये नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, और ये एटमोसफियर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है राइस के लिए ताकि राइस में नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी बनी रहे। वीड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो राइस में दो वीड्स जो बहुत ज़्यादा मेजर वीड्स हैं वो हैं इकाइनोकुलवा क्रूजगैली, जिसको बानियार ग्रास बोलते हैं, और दूसरा है इकाइनोकुलवा कोलोना, जिसको वाइल्ड राइस बोलते हैं। और इसमें हम वीड कंट्रोल करने के जो मेथड है वो हर्बिसाइड मेथड है, केमिकल मेथड, जिसमें हम हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं लाइक प्रोपानिल, जिसको स्टैम्प F34 बोलते हैं। ये एक प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है, यानी वीड इमर्ज होने से पहले ही हमको ये अप्लाई करना होता है। इसका जो एप्लीकेशन डोज है वो है 3 kg AI पर हेक्टेयर, जिसको हम अप्लाई करते हैं 6 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। इसके अलावा ब्यूटाक्लॉर, जिसको मचीटी बोलते हैं, ये भी प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है, इसका एप्लीकेशन रेट है 2 kg AI पर हेक्टेयर, और इसको हम अप्लाई करते हैं अगर नर्सरी में अप्लाई कर रहे हैं तो 6 to 7 days आफ्टर सोइंग, और अगर हम उसको डायरेक्ट सीडेड राइस जब ग्रो करते हैं तो उस टाइम पे हम इसको अप्लाई करते हैं 2 to 3 days आफ्टर सोइंग। इसके अलावा फ्लूक्लोरालिन है, जिसको बेसिलिन बोलते हैं, ये एक सॉइल इनकॉर्पोरेटेड हर्बिसाइड है, मतलब इसको हम सॉइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं, और इसका जो एप्लीकेशन रेट है वो है 1 kg AI पर हेक्टेयर। इसके अलावा निट्रोफेन है, जिसको टॉक E25 बोलते हैं, ये भी प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड है, इसका डोज है 2 kg AI पर हेक्टेयर।